नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यू टेक इजी चैनल। मैं हूं शंकर, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल न्यू टेक इजी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हम सीख रहे हैं फोटोशॉप और हम सीख रहे थे तमाम मेन्यूज के बारे में और मेन्यूज के कई ऑप्शंस के बारे में। पिछले अध्याय में मैंने ब्लाइंडिंग ऑप्शन को इमेज पर डालना सिखाया था, इस बार टेक्स्ट पर ब्लाइंडिंग ऑप्शन का थोड़ा बहुत यूज और बताऊंगा। जैसा कि पिछले अध्याय में ब्लाइंडिंग ऑप्शन की और सेटिंग्स उनके बारे में मैंने बेसिक नॉलेज दिया था, उसके इसमें थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ा सा देखिए एडवांस सीरीज नहीं चल रही, पर थोड़ा सा जो आपको गोल्डन या मेटल इफेक्ट देना मैं इसमें बताऊंगा, या फिर आप सिल्वर जो इफेक्ट दे सकते हैं, मेटल वगैरह की इफेक्ट दे सकते हैं, सोने चांदी की वगैरह की इफेक्ट दे सकते हैं। तो एक्चुअली ये काम कहाँ पर आते हैं, तो मेटल्स वगैरह की इफेक्ट जो आते हैं, किसी जो सुनार वगैरह की जो शॉप होती है, दुकानें होती है, वो अपने बैनर पोस्टर को डिजाइन, या फिर किसी ज्वेलर की जो दुकान होती है वो अपने बैनर पोस्टर जो है डिजाइन कराने के लिए क्या कहते हैं कि हमारी जो शॉप का नाम है वो केवल मेटल इफेक्ट में आया, मतलब एक इस तरह से, जैसा कि आप इस वीडियो में सामने देख रहे होंगे कि इस तरह की जो मेटल्स टाइप है, जो गोल्डन कलर है या फिर जो आपके गोल्डन इफेक्ट है, वो बेहतरीन से बेहतरीन देखकर डिजाइन किया हुआ हमारे सामने प्रस्तुत हो, हमारे सामने हमारे बैनर के ऊपर दिखाई दे और बहुत ही चमकदार वो हमें दिखाई दे। तो इसके लिए क्या करते हैं, इस तरह की हमें मेटल्स वगैरह की जो हमें जरूरत पड़ती है कि यह टेक्स्ट हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं और कैसे अपनी इमेज पर सेट कर सकते हैं, कैसे हम बना सकते हैं, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, नीचे दिया गया है लाल कलर का एक सब्सक्राइब बटन, उसको दबाना ना भूले, और सब्सक्राइब बटन को दबाते ही पास में आएगा एक छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा बेल यानी घंटी का आइकन, उसको दबाना ना भूले, जिससे क्या होगा कि दोस्तों आपको हमारे नए वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी और आप देख सकते हैं हमारे नए वीडियोज को सबसे पहले। और सभी के सभी पार्ट्स में डाल रहा हूँ फोटोशॉप के, ताकि आप सॉफ्टवेयर की नॉलेज अच्छे से ले सके, और टेक्निकल वीडियो में जो है डाल रहा हूँ, जैसे कि मैंने अभी जियो की इन्फॉर्मेशन दी थी, और जो हमारी नेक्स्ट सीरीज आ रही है उसमें मैं टेक्निकल मोबाइल चलाने सिखाऊंगा, एंड्रॉइड मोबाइल। तो ये सीरीज में क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ कि इसके पीछे रीजन ये है कि बहुत सारे जो मोबाइल्स की सेटिंग्स वो हमें नहीं पता होती और जनरल प्रॉब्लम्स हमारे मोबाइल में आने लग जाती है, और हम किसी के पास लेकर जाते हैं उसको दिखाने के लिए, उन सभी को रिमूव करना, उन सभी को उठाना मैं उस सीरीज में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, अभी तो यहाँ पर हम फोटोशॉप की सीरीज पर चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब क्या हो रहा है कि आप देख रहे हो कि सामने जो इस तरह की जो है गोल्डन इफेक्ट डाली हुई है, हमारे चैनल का नाम आ रहा है गोल्डन इफेक्ट डाला हुआ, और एक बहुत ही अच्छी डिजाइन आपके सामने आपको दिख रही है। इस तरह की डिजाइन कैसे क्रिएट करें, तो चलिए सिखा देते हैं क्रिएट करना। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले कंट्रोल एन प्रेस करके न्यू फाइल ओपन कर लेनी है, और न्यू फाइल ओपन करते ही एंटर दे देना है, और एंटर दबाने के बाद में आपको क्या होगा, इस तरह से न्यू फाइल प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद में कंट्रोल प्लस करना है, और इस तरह से आप इसको जूम कर लीजिए, जितना आप चाहिए अपनी इस हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद में सिंपली आपको सबसे पहले जो है क्या करना होगा, आपको यहाँ से जो है सिलेक्ट करना होगा, मैं इसको थोड़ा सा जो है बड़ा कर देता हूँ, अच्छे से हमें दिखाई दे इसलिए, और ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा, थोड़ा सा आपको ऑप्शंस भी जो है आपको दिखाई देने चाहिए अच्छे से, इसलिए मैं आपको इसके साइज देकर बता देता हूँ। और यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से पेंट बुकेट टूल लेना है, और पेंट बुकेट टूल लेते ही यहाँ से आपको कोई पैटर्न डिसाइड कर लेना है, क्योंकि मैं गोल्डन बना रहा हूँ तो यहाँ से मैंने गोल्डन पहले सिलेक्ट करके रखा है। और यदि आप गोल्डन सिलेक्ट नहीं करना चाहते हैं, तो मान लीजिए सिल्वर बनाना चाहते हैं, तो आप ग्रे डिजाइन सिलेक्ट कीजिए, मतलब चांदी की टाइप का टेक्स्ट बनाना है तो ग्रे डिजाइन सिलेक्ट कीजिए, वो बेटर रहेगा। उसके बाद में यदि आप कॉपर वगैरह का बना चाहते हैं, तो देख लीजिए उसका कलर किस टाइप से होता है, उस कलर में बना लीजिए। ज्यादातर लोग मेरून वगैरह का कलर लेते हैं, तो उस टाइप में बना लीजिए। और यहाँ से यदि आपके पैटर्न कम आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर देखिए बहुत सारे पैटर्न है, मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए कलर पेपर वाला हमें लेना है, तो यहाँ से अपेंड पर क्लिक करोगे तो जैसे आपके सामने और पैटर्न आ जाएगी, अभी मैं रहने देने वाला हूँ। और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आके आपको इसको फिल कर देना है, इस तरह से फिल कर देना है। उसके बाद में एक्चुअली पेंट बुकेट टूल को कैसे यूज करते हैं मैंने पिछले अध्याय में बताया है, तो नीचे प्लेलिस्ट दी गई है, उसमें जाकर आप अच्छे से देख ले और समझ ले किस तरह से मैंने वो बनाया है। तो चलिए आगे और देख लेते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, सिंपली इस पर कोई टेक्स्ट टाइप करना है, और कोई भी जो है आप ले लीजिए टेक्स्ट वगैरह ऑप्शन, और मैं यहाँ से कोई और जो है ले लेता हूँ, चलिए जो भी है सिलेक्ट में ले लेता हूँ, और यहाँ से लिख देते हैं हम अपने ही चैनल का नाम, लिख देते हैं चलो न्यू टेक इजी, थोड़ा सा बड़ा हो गया, और हम मूव टूल लेंगे और कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, और इसको साइज रिसाइज कर लेते हैं फटाफट से, और इस तरह से। थोड़ा सा वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्टली चल रहा हूँ, क्योंकि इसका बेसिक यूज टेक्स्ट टूल का मैंने पहले ही वीडियोस बना चुके हैं। उसके बाद में ब्लाइंडिंग ऑप्शन की जो अदर सेटिंग्स है उनको मैंने पहले सिखा दिया है, तो इसमें तो आपको मैं डायरेक्ट इफेक्ट डालना सिखाऊंगा।
और इस तरह से मान लीजिए इतना काफी होगा मेरे हिसाब से, और इस तरह से ले लेते हैं, अच्छा है। और मान लीजिए आप थोड़ा सा टेक्स्ट और सिलेक्ट कर लेते हैं, और इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस ज्यादा देता हूँ मैं, ताकि अच्छे लगेंगे बाद में। और यहाँ से भी दे देते हैं, यहाँ से, और फिर से कंट्रोल ए करते हैं, और थोड़ा सॉरी थोड़ा सा मूव टूल से फिर से इसको क्या कर लेते हैं, इधर लेकर आ जाते हैं इस तरह से। और अब क्या करना होगा आपको, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर डबल क्लिक करना है टेक्स्ट के साइड में, या फिर आपको क्या करना है ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से ब्लाइंडिंग ऑप्शन पर जा सकते हैं, या फिर टेक्स्ट पर डबल क्लिक करके जा सकते हैं। और यहाँ से कल मैंने इमेज पर डालना बताया, तो सिर्फ ये जो इमेज पर डालने वाले ब्लाइंडिंग ऑप्शन है वही है, और ये भी आपको इस ब्लाइंडिंग ऑप्शन में भी देखने को मिल जाएंगे, तो इसलिए डबल क्लिक करके ही चलते हैं। यहाँ से जैसे आप डबल क्लिक करोगे, इस तरह से आपके सामने ऑप्शन ओपन हो जाएगा, और ऑप्शन ओपन होने के बाद में इस तरह से आपके सामने एक ड्रॉप डाउन, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उसके बाद में यहाँ से जो फर्स्ट ऑप्शन है क्लिक आएगा ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट ब्लाइंडिंग ऑप्शंस, तो उस पर आपको सबसे पहले क्या करना है, इस फील ओपेसिटी को क्या करना है, बिल्कुल डाउन कर देना है इस तरह से। उसके बाद में आपको क्या जाना है, यहाँ पर बुबल और इम्बोज पर जाना है। बुबल और इम्बोज का यूज मैं बताऊंगा आपको इसमें, और बुबल और इम्बोज का जो बेसिक यूज है मैं पहले ही बता चुका हूँ, और यहाँ पर इन सब की और सेटिंग्स की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि पहले मैं इन पर वीडियो बना चुका हूँ, तो हर एक एक सेटिंग्स को मैंने डिटेल से समझाई है। अभी सिर्फ मेटल इफेक्ट डालना आपको सिखा रहा हूँ, तो इसमें मेन मेन हमें क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना, सबसे पहले 1 मिनट सॉरी, आप इसे कैंसिल कर दीजिए, और कैंसिल करने के बाद आपको क्या करना है, उस बैकग्राउंड जो आपको दिख रहा है उसको एक लेयर बनानी है, और इस पर क्लिक कर देना है, ताकि आपको इफेक्ट देने में आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और अब वापस फिर से ब्लाइंडिंग ऑप्शन पर चलना है, और ब्लाइंडिंग ऑप्शन पर जाने के बाद में क्या करना है, आपको फील को 0 कर देना है, बबल्स और इम्बोज पर जाना है और क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले स्टाइल, आप इनर बबल का यूज कर सकते हैं और आउटर बबल का यूज कर सकते हैं। इनर से क्या होगा, ये थोड़ा अंदर की ओर जाएगा, और आउटर से क्या होगा, ये थोड़ा ऊपर की ओर उभर कर आएगा। और डिजाइन भी आप देख सकते हैं, जैसे पिलो इम्बोज पर आप क्लिक करते हैं, इस तरह से दिखाई देगा बहुत ही अच्छी डिजाइन के साथ। और स्मोक इम्बोज पर क्या होता है, दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हम इस पर स्ट्रोक नहीं डाल रहे हैं, स्ट्रोक हमने नहीं डाला है, कोई स्ट्रोक नहीं लिया है हमने। उसके बाद में क्या है, आपको अप डाउन करके देख लेना है, यहाँ पर जो डेप्थ है वो भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका कोई खास यूज नहीं है, कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इफेक्ट तो पड़ रहा है आप ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं डाउन पर क्लिक करता हूँ तो अंदर से उभरता हुआ चल रहा है, इसका यूज भी होगा, लेकिन अभी हम इसका यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें मेटल्स के लिए डिजाइन तैयार करनी है। तो सिंपली, और इनका सिंपल यूज वैसे क्या होता है, किस तरह से हमें इफेक्ट डाल सकते हैं, वो आपको करके देखना पड़ेगा, और वैसे भी मैंने इसके लिए भी वीडियो बनाई है। और इस तरह से आप साइज बढ़ाकर देखिए, बहुत अच्छी डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हमें बहुत ज्यादा साइज नहीं चाहिए, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह से हम इतनी साइज ले लेते हैं, देखिए अच्छा है। और उसके बाद में सॉफ्ट टोन, सॉफ्ट टोन पर भी आप देख सकते हैं इफेक्ट, लेकिन यहाँ पर सॉफ्ट टोन का कोई हम यूज नहीं करेंगे। उसके बाद में सेंडिंग, ये सारा जो नीचे वाले यहाँ से इतना था ड्रॉप डाउन जो बॉक्स है उस पर हम क्या करेंगे, यहाँ से जो इतना था ड्रॉप डाउन बॉक्स है शेडिंग का है। शेडिंग का अर्थ क्या होता है, मतलब शेडो, यानी शेडो छाया, तो छाया या परछाई से संबंधित जितने भी सेटिंग्स है वो यहाँ पर है, तो इसका हम यूज करेंगे। कैसे मेटल बनाने के लिए करते हैं वो देख लीजिए, यहाँ से आप इसको एंगल को चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जितना भी आप चाहे, मान लीजिए 125 कर देता हूँ इस तरह से, आप भी यही कर दीजिएगा अच्छा रहेगा, या फिर और करके देख लीजिएगा, इसमें डिजाइनिंग पे कोई इशू नहीं होगा, आपकी बेहतर से बेहतर डिजाइन आपको मिलेगी जितना आप अच्छे से वर्क करोगे। मैं तो आपको समझाने के लिए सिर्फ बना के बता रहा हूँ सिंपली, तो ज्यादा कुछ इफेक्ट मैं डाल को नहीं बता रहा हूँ। एंटी साइनिंग पर क्लिक रहेगा तो आपको इसको डिसलेक्ट करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ से मान लीजिए कोई भी इफेक्ट, मान लीजिए ये वाला हुआ, ये वाला हुआ, कोई सा भी आप चाहे वो ले लीजिए, मान लीजिए मैं ये वाला ले लेता हूँ। उसके बाद में आप देखेंगे हाईलाइट मोड, और हाईलाइट मोड पर आपको क्या करना है, उसके बाद इस पर जाकर आपको कलर डोज पर सिलेक्ट करना है, ताकि कलर डोज पर आपको जो शाइनिंग है, जो इसकी चमक है, वो इस तरह से दिखाई दे जाए। देखिए इसके ऊपर चमक आ चुकी है, और इसकी ओपेसिटी चमक की भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, इस तरह से देखिए, इस तरह से बिल्कुल चमक गायब हो गई इस तरह से। यदि आप जो मेटल्स वगैरह की डिजाइन ले रहे हैं, सॉरी मेटल्स क्या, आप सिल्वर की डिजाइन ले रहे हैं, तो आपको यहाँ से जो कलर है वो जो व्हाइट सिलेक्ट करना होगा, व्हाइट ग्रे पर जो सॉरी ब्लैक ग्रे पर भी ले सकते, सॉरी ब्लैक ग्रे पर ही बनेगा, और व्हाइट भी आप ले सकते हैं। और एक्चुअली ज्यादातर क्या करते हैं लोग, ब्लैक और मेरून के साथ लेकर चलते हैं जो मेटल्स की डिजाइन होती है उसमें, तो आप मेरून वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ब्लैक ही रहने देता हूँ, क्योंकि मेटल जो गोल्डन डिजाइन है वो ब्लैक पर अच्छी तरह से शाइनिंग आएगी, तो मेरून आप लेकर देख लेंगे, बहुत अच्छी डिजाइन बनेगी उससे भी। और यहाँ से आप मल्टीपल ही रहने दे के चाहे तो आप और ऑप्शन भी ले सकते हैं, लेकिन मल्टीपल जो है बेटर रहेगा, और ओपेसिटी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर दीजिए, चलिए मैं इतनी रहने देता हूँ। उसके बाद में क्या करना होगा आपको, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं काउंटर पर क्लिक करना है, और यहाँ पर काउंटर पर आते ही आपको जो है यहाँ पर काउंटर्स दिखेंगे, और काउंटर्स
जो यहाँ पर जो चाहे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। इस तरह से देखिए बहुत ही अच्छी अच्छी बेहतरीन डिजाइन आपके सामने आ रही है। चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, ओके, सॉरी ओके नहीं करना, आप टेक्सचुअल जो टेक्सचर है उस पर देखना है। और टेक्सचर जो है आप अपने डिजाइन पर अपने हिसाब से देख सकते हैं। बेहतर बेहतरीन बेहतरीन बहुत सारे टेक्सचर आपको देखने को मिल जाएंगे। और बहुत आप देख कर देख लीजिए, जो आपको बेस्ट लगता है वो दे लीजिए, और कोई भी दे लीजिए। मान लीजिए मैं कोई और दे देता हूँ, ये पिंक वाला जो है मेरा फेवरेट है, मैं इसे दे देता हूँ और ओके कर देता हूँ। उसके बाद में जो स्केल वगैरह यहाँ से ओपेसिटी वगैरह देखिए कम ज्यादा कर सकते हैं, मैं इतनी रहने देता हूँ। और यहाँ से डीपीटी जो डेप्थ वगैरह है वो आप चेंज कर सकते हैं इस तरह से, चलिए इतनी रहने देते हैं और ओके पर हमें क्लिक कर देते हैं। अब आपका आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, ओके पर क्लिक कर देना। अब ये देखिए कितना अच्छा टेक्स्ट दिख रहा है, लेकिन यार उतनी अच्छी साइनिंग नहीं है जो जितने की इस इमेज में मैंने आपको दिखाई थी। तो चलिए इस तरह की साइनिंग कैसे लाते हैं। अब आपको क्या करना है, फिर से आपको नई लेयर क्रिएट करनी है। कंट्रोल जे फ्रेस करके आपको नई लेयर क्रिएट कर लेनी है। देखिए वीडियो काफी थोड़ा सा ऑप्शन को समझना हार्ड है, क्योंकि आपको समझ रहे हैं तो वीडियो सामने चलाइए और साथ साथ में करते जाइए, वरना भूल जाओगे। तो आप थोड़ा सा जो ऑप्शन से थोड़ा हार्ड है, और इस पर क्लिक कर दीजिए इस लेयर पर। और आपको क्या करना है, फिर से इस पर डबल क्लिक करके ब्लाइंडिंग ऑप्शन में चले जाना है। इस तरह से ब्लाइंडिंग ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। उसके बाद में हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर बबल्स और इम्बल्स पर चलेंगे। और यहाँ पर जैसे मैंने आउट बबल किया था, उसकी जगह हम इनर बबल करेंगे। और इस तरह से देखिए कितनी बेहतरीन डिजाइन आ रही है आपके सामने, लेकिन यार फिर भी उतना मजा नहीं आ रहा। तो इस तरह से आप देखिए कम ज्यादा कर सकते हैं, और यहाँ से साइज वगैरह आप देखिए इस टेक्स्ट की कम ज्यादा कर सकते हैं अंदर वाले की। और यहाँ से जो सॉफ्टवेयर वगैरह आप ले सकते हैं, लेकिन हम नहीं लेंगे, इसको इतना ही रहने देंगे। उसके बाद में हम चलते हैं काउंटर पर, और काउंटर पर आप अपने हिसाब से जो चाहिए आप सिलेक्ट कर लीजिए, जो आपको पसंद हो वो सिलेक्ट कीजिए, अच्छा रहेगा। यहाँ से आप क्रिएट भी कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन मैं क्रिएट नहीं करने वाला अभी। और इस तरह से आप डिजाइन देकर देख लीजिए, मैं यहीं रहने देता हूँ। उसके बाद में आपको कैप्चर पर जाना है, सॉरी टेक्सचर पर जाना है। और आपका जो सारा खेला है, जो सारा खेल है टेक्सचर का ही होता है, बेहतर से बेहतर डिजाइन देने का इसके ऊपर। तो देखिए आप जो चाहे वो डिजाइनिंग आप देख सकते हैं, मैंने जैसा कि बताया था उस तरह से आपके सामने, इस तरह से डिजाइनिंग आपके सामने आ रही है। तो आप जो है टेक्सचर वगैरह देखकर देख लीजिए, बेहतरीन से बेहतरीन डिजाइन आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। बहुत ही अच्छी शाइनिंग आप इसके अंदर दे सकते हैं इस तरह से, और बहुत ही अच्छा जो है टेक्सचर आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो दोस्तों अब आप कह रहे होंगे कि यार पिछले वाले में तो बहुत अच्छी शाइनिंग आई थी, इसके अंदर शाइनिंग इतनी अच्छी क्यों नहीं आ रही है, ये क्या प्रॉब्लम हुई, ये क्या बेटरनेस अच्छा नहीं हुआ। तो ये सारा जो खेल है वो आपके पिछले वाले जो आपने टेक्स्ट में डाला था उसका है, तो उसके कारण जो आप इतनी अच्छी बेहतरीन डिजाइन नहीं दे पाए हैं। बाकी आप दे तो सकते हैं, क्योंकि पिछले से मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक बताने की कोशिश की। तो आप पर वहां पर आपको क्या करना है, थोड़ा वो चेंज कर चलना है, और फिर आपको यहाँ पर ओपेसिटी वगैरह चेंज कर देनी है। और बबल इम्बोज पर यहाँ पर आपको इनर पर रखना है, इनर बबल पर करना है यदि आप सेकंड लेयर बनाए तो। थोड़ा सा आपको समझाने के लिए फिर से बताते हूँ। और चीज हार्ड पर आप करके रखेंगे तो इस तरह से आपको आएंगे, लेकिन हम चीज हार्ड पर नहीं करेंगे, अच्छा नहीं लग रहा है। और एंगल वगैरह जो है आप वहीं पर रहने देंगे जो पहले थे। और यहाँ पर जो टेक्सचर है उसको ज्यादा से ज्यादा चेंज करने की कोशिश करें आप, तो उससे क्या होगा कि आपका इफेक्ट अच्छे से वर्क करेगा। और इसमें एक बार फिर से जाकर देखते हैं, थोड़ा से और डिजाइनिंग अगर इसकी चेंज होती है तो, या आपको खुद को कर देखना होगा। जैसा कि मैंने उसमें बताया था कि यार सब में अलग अलग होता है, आप अपने हिसाब से इसे चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ से बबल इम्बोज पर फिर से चलते हैं, और जो टेक्सचर था वो हम देख लेते हैं। और तो सारा जो है सही है, हम टेक्सचर पर देख लेते हैं, थोड़ा सा टेक्सचर देने की कोशिश करते हैं, और इसके अंदर जो बेहतर टेक्सचर है वो क्या हो सकता है। और यहाँ से इस तरह से अब जो चाहे वो टेक्सचर देकर देख सकते हैं। और यहाँ से ये वाला टेक्सचर दे दीजिए, ये वाला टेक्सचर दे दीजिए, और यहाँ से इस तरह से आप कम ज्यादा करके देख सकते हैं इस तरह से। और आप जो बबल और इम्बोज है इसकी सेटिंग्स को थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिएगा, नीचे से जो है काफी अच्छा आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो आप इस तरह से काफी अच्छे इफेक्ट दे सकते हैं। और यहाँ से आपको सारा खेल जो है सबसे ज्यादा इसमें टेक्सचर का है, तो टेक्सचर को थोड़ा सिलेक्ट कर लीजिएगा ध्यान से, जो क्योंकि पहले जब मैंने वो बनाया था तो इसमें थोड़ा टेक्सचर थोड़े ज्यादा लोड थे। यहाँ से आपको जाकर के यहाँ से आप टेक्सचर और ज्यादा लोड कर सकते हैं। मान लीजिए कलर पेपर पर लेकर बता देता हूँ, और अपन पर क्लिक कर देता हूँ, तो इस तरह से आपके सामने और सारे जो है टेक्सचर आ जाएंगे इस तरह से। और इस तरह से देखिए आप क्लिक कर करके देख लीजिए इन पर, बहुत ही अच्छी डिजाइनिंग आपको मिल सकती है, और बहुत ही मिल सकती है कि आपको बहुत अच्छी डिजाइन ही मिलेगी। और यहाँ से ओके कर दीजिए, और भी डिजाइन आप देख कर देख सकते हैं। एक बार फिर से देखिए इसका टेक्सचर और चेंज करके देख लेते हैं। और यहाँ से भी जो है आपके सामने बहुत सारे टेक्सचर आ चुके हैं, ये देखिए इस तरह से आपके सामने सारे इफेक्ट आप क्लिक कर करके देखिए, जो आपको अच्छा लगे वो सिलेक्ट कर रखिए।
ये देखिए इस तरह से जो है बहुत ही बेहतरीन हार्डनेस डिजाइन आपके सामने आ रही है। मैंने बनाई थी उससे भी बेहतर मुझे ये लग रही है, क्योंकि उस समय मेरे पास इतने सारे जो टेक्सचर थे मैंने लोड नहीं किए थे, आपको सिंपली समझाने के लिए वो बना दिया था। और इस तरह से आप ओपेसिटी कम ज्यादा करके देख लीजिए, और इस तरह से आप एक अच्छा टेक्स्ट तैयार कर सकते हैं, डिप्थ वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, इस तरह से आप इस तरह का देखिए एक नया डिजाइनिंग आपको देखने को मिल रहा होगा इस तरह से। और अब यहाँ से आप मान लीजिए कोई और सिलेक्ट करके देख लीजिए, बार बार में वही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि टेक्सचर का सारा खेल है, और टेक्सचर से आप अच्छे से यहाँ से डिजाइनिंग वगैरह दे सकते हैं इस तरह से। और देखिए ये और भी अच्छी शाइनिंग आई थी जो मैंने बनाई थी, उससे बढ़िया शाइनिंग इसमें आ रही है। आप देख रहे हैं आपके सामने गोल्डन टेक्स्ट बहुत ही बेहतरीन स्टाइल है इसमें आपके सामने उभर कर आया है, और जो पहले मैंने बनाया था वो थोड़ा कम अच्छा लग रहा था, लेकिन ये और भी अच्छा मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसकी साइज को जो है ऊपर लेकर बनाया है, तो बहुत ही अच्छा ही लग रहा है। तो इस तरह से आप टेक्स्ट की साइज को देख सकते हैं, आप सिल्वर को भी बना सकते हैं, उसके लिए आपको ग्रे और ब्लैक लेकर चलना होगा। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नए भाग में, नए वीडियो में। तो बाय बाय दोस्तों।